हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 9th को। आज आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th का। और इसके साथ ही आपकी जो क्लास 9th है उसकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम 10th क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जो कि लोक संत हैं या लोक देवता हैं। तेजाजी, पर्वत सर, बाबूजी, कोलू, मल्लीनाथ पिचियाक और गोगा जी गोगा मेड़ी। तो आपको इनमें से सुमेलित करना है और एक इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, तेजाजी जो हैं उनका जन्म खडनाल पर्वत सर नागौर यहाँ हुआ था और यहाँ इनका मेला भी लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाबूजी का जन्म कोलू या कोली गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था, ये भी ठीक है। लास्ट है गोगा जी। गोगा जी इनका जो मेला है वो गोगा मेड़ी, जो पशु मेला लगता है कहाँ, गोगा मेड़ी में, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन मल्लीनाथ जो है वो पिचिया की, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, तेजा जी के जन्म स्थल का क्या नाम है? तेजा जी के जन्म स्थल का क्या नाम है? राइट आंसर इज खड़नाल। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल, जो कि पर्वतसर नागौर में पड़ता है। नेक्स्ट है, 13 ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है? 13 ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है? इसका सही आंसर है रामदेव जी की प्रार्थना में। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबूजी। बाबूजी की पूजा की जाती है जब राजस्थान में ऊंट जब है वो बीमार हो जाता है, और जब बाबूजी की जो फड़ है वो बोली जाती है, और ऊंट जैसे ही ठीक हो जाता है उसके होने पर, ठीक होने पर रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो भी बजाया जाता है। नेक्स्ट, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए, तो वो लोक देवता कौन है? सही आंसर है गोगा जी। गोगा जी जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे, इसीलिए गोगा जी को हम गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रामदेव जी के पगलिए कौन से वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं? रामदेव जी के पगलिए कौन से वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है खेजड़ली। खेजड़ली वृक्ष के नीचे रामदेव जी के पगलिए जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, रामदेव बावारी आन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बाबा रामदेव के नाम की जो सपत है उसे ही रामदेव बावरी आंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, देव नारायण जी की फड़ किनके द्वारा बांची जाती है? देव नारायण जी की फड़ जो कि सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है, तो ये किनके द्वारा बांची जाती है? इसका आंसर है भोपाओं के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल किस लोक देवता ने दिया? किस लोक देवता ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया? इसका सही उत्तर है रामदेव जी। रामदेव जी जिन्हें पीरों के पीर भी कहा जाता है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर सर्वाधिक बल दिया। इन्हें मुस्लिम पुजारी जो हैं वो रामसा पीर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? तो रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। क्या था? नेतल दे। और रामदेव जी के पिता और माता के बारे में भी पूछ लिया जाता है, इनके पिता का नाम था अजयमाल और माता का नाम मेना दे। नेक्स्ट है,
देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? इसका सही उत्तर है, देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस लोक देवता की फड़ सबसे बड़ी और लोकप्रिय है? तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, तो वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी फड़ सबसे बड़ी है और लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर है देव नारायण जी। देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है और सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, तो एक और बात नोट कर लें कि जो देव नारायण जी हैं उनकी फड़ के ऊपर भारतीय डाक टिकट भी जारी हुआ है, जो कि 1992 और 93 में हुआ था। संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा कहाँ है? इसका सही आंसर है टोडा। टोडा राय सिंह, जो कि टोंक में पड़ता है, यहाँ पर संत पीपा की गुफा है। नेक्स्ट है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। जाम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? जाम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? इसका सही उत्तर है नागौर। जाम्बो जी प्रवर्तक हैं, तो जाम्बो जी किनके प्रवर्तक हैं? इसका सही उत्तर है जाम्बो जी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी हैं? राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी हैं? इसका सही आंसर है जाम्बो जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संत दादू दयाल के कितने शिष्य थे? संत दादू दयाल के कितने शिष्य थे? इसका सही आंसर है संत दादू दयाल के 52 शिष्य थे। नेक्स्ट है, संत दादू दयाल की शिक्षाएं संग्रहित हैं? इसका आंसर है दादू वाणी। क्वेश्चन नंबर 20। संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ? संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर है संत दादू दयाल का जन्म विक्रम संवत 1601 में फागुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। और अब ये तो तिथि है, अगर डेट पूछ ली जाए तो इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और इनका जो कार्यस्थली है वो नरेना है, यानी नारायणा। संत दादू दयाल के प्रमुख संत कौन कौन से थे? उनके जो 52 शिष्य थे उनमें सबसे प्रमुख संत कौन कौन से थे? रज्जब, सुंदरदास और जनगोपाल। रज्जब, इनका जो प्रधान पीठ है वो सांगानेर में है, और सुंदरदास जी की प्रधान पीठ कहाँ है? गैटोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? तो ये रिपीट है क्वेश्चन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसे। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें सभी जाति के जो शिष्य इन्होंने सम्मिलित किए थे। संत पीपा के गुरु का क्या नाम था? संत पीपा के गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर है रामानंद जी संत पीपा के गुरु थे। संत पीपा के बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है वो खींची चौहान के परिवार में हुआ था, झालावाड़ में, और इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था।
संत पीपा जी किस विचारधारा के संत, कवि व समाज सुधारक थे? तो ये किस विचारधारा के थे? ये निर्गुण धारा के थे। नेक्स्ट है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है जाम्बो जी। जाम्बो जी का जन्म कब हुआ? जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है विक्रम संवत 1508 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जाम्बो जी का जन्म हुआ था। तो पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये तो है इनकी तिथि जो कि आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दी हुई है, और अगर आप डेट लिखना चाहें तो डेट भी लिख लें, 1451 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, जाम्बो जी ने अपने अनुयायियों को कितने नियमों को पालन करने पर जोर दिया था? तो जाम्बो जी जो हैं, उन्होंने जो संप्रदाय चलाया था विश्नोई संप्रदाय, तो विश्नोई संप्रदाय में उन्होंने 29 नियम दिए थे। जैसा कि नाम से ही है विश्नोई, अगर आप इन्हें तोड़ेंगे तो 20 और 9 दोनों को मिलाकर बनता है विश्नोई, यानी कि 29 नियम। जाम्बो जी ने 29 नियम चलाए थे। नेक्स्ट है, जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था? जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर इज जसनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1539 ईस्वी में हुआ था, कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर गांव बीकानेर में। ये सबसे कम उम्र के संत थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। जब ये 24 वर्ष के थे तभी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, जसनाथ जी ने अपने संप्रदाय में कितने नियमों का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर है 36 नियम। जिस तरीके से जाम्बो जी ने 29 नियम चलाए, उसी तरीके से जसनाथ जी ने 36 नियम चलाए। क्वेश्चन 31, फतेहपुर सीकरी में अकबर से दादू दयाल की भेंट किसने कराई थी? तो संत दादू दयाल की भेंट अकबर से भगवंत दास ने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 32, मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं? मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज रामदेव जी, मांगलिया जी, गोगा जी, बाबू जी और हड़बू जी। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, दो तीन बार आप इन्हें अपने मुंह से बोलिए, आपको याद हो जाएंगे। रामदेव जी, मांगलिया जी, गोगा जी, बाबू जी और हड़बू जी। नेक्स्ट है, दादू दयाल के अनुसार ओमकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसका सही आंसर है ब्रह्म से। क्वेश्चन नंबर 34, रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था? रामचरण जी के बचपन का क्या नाम था? रामकिशन। रामचरण जी के बचपन का नाम था रामकिशन। तो ये तो आप याद रख सकते हैं, रामचरण में राम और रामकिशन में भी राम, तो दोनों ही एक दूसरे से मैच खाते हैं, तो आपको याद हो जाएगा रामचरण जी के बचपन का नाम था रामकिशन। रामचरण जी का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर है विक्रम संवत 1776 में टोंक के सोड़ा गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, रामचरण जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम। क्वेश्चन 37 है, आचार्य भट्ट के गुरु कौन थे? आचार्य भट्ट के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है रघुनाथ जी। सही आंसर क्या है? रघुनाथ जी। क्वेश्चन 38, बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो बताइए बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? इसका सही आंसर है बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इसे आप याद रखिएगा, बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। नेक्स्ट है, सर्प के डंक से किस लोक देवता की मृत्यु हुई? सर्प के डंक से किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर है तेजाजी। तेजाजी की मृत्यु जो है वो सांप के डंक से
हुई थी। नेक्स्ट जो है, तेजा जी का मेला कब भरता है? तो स्टार्टिंग में ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इस बारे में बात कर ली थी, तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में भरता है। बाबू जी का जन्म स्थल कहाँ है? बाबू जी का जन्म स्थल कहाँ है? बाबू जी का जन्म स्थल कोलूगढ़ या कोली गांव फलोदी जोधपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, बाबू जी ने किसे अपनी बहन बना रखा था? तो बाबू जी ने अपनी बहन जो है वह देवल नामक एक चारण देवी को बना रखा था, कहीं पर देवल चारणी नामक नाम भी आता है। नेक्स्ट है देवी की गायों को कौन लेकर भागा? देवल देवी की गायों को कौन लेकर भागा था? सही उत्तर है चिंद्रा। तो इसी के साथ आपका जो क्लास 9th का जो लास्ट चैप्टर था वो भी आज हो गया है कंप्लीट। आप वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, चैप्टर 1 के साथ। थैंक यू।